हेलो 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 भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल लेवल का, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन टू का। और गाइस आर्क ड्रैगन हंटर सीजन टू का जो पिछला वाला एपिसोड था, उस एपिसोड में आप सभी लोगों ने भाई एकदम खतरनाक एंड ओपी वाली जो बॉस फाइट है वो तो देखी होगी। हम लोग ने गाइस ये जो मैंटिकोर आप देख रहे हो, ये मैंटिकोर 1000 आईक्यू लगा के टेम करा। उसके बाद में जो ड्रैगन नहीं घूम रहे थे गाइस, जो हमने डेजर्ट में देखा था, जिस ड्रैगन ने हमारे साथ स्कैम करके हमको मारा था, उसकी 50,000 बिलियन हेल्थ थी, बट उसका लो लेवल 60 लेवल का 1500 बिलियन हेल्थ वाले बॉस को हम लोग ने पिछले एपिसोड में इस मैंटिकोर से मारा था। और इस मैंटिकोर से उस बॉस को मारने के बाद मुझे यहाँ पे मिली है काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें। इन चीज़ों को अभी तो मैं भाई यहाँ पे भाई वो नहीं करने वाला हूँ, स्पॉन भी नहीं करने वाला, क्योंकि लो लेवल के बॉस को मार के मिली है। तो हम लोग ना डायरेक्टली हाई लेवल के बॉस को मारेंगे ना, तब तो हमको जो चीज़ें मिलेगी उन्हीं चीज़ों को जो है ना हम लोग यहाँ पे स्पॉन करेंगे। बाकी अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना ड्रैगन हंटर का, इसमें क्या करने वाले हम लोग गाइस बताते हैं, रुको जरा सबर करो। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गाइस आपको गेमिंग विद यानी और हमारे व्लॉगिंग चैनल की। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है वो अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने हैं तो नीचे निट्राडो का लिंक है। निट्राडो पे आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और गाइस अभी यहाँ पे आज नाम क्या करने वाले पता है, इस मैंटिकोर से मैंने ना पिछले एपिसोड में एक फटका मार के जो हमारा ड्रैगन हंटर का फाइनल बॉस है ना ड्रैगन किंग, उसको मारा था। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये ड्रैगन किंग को ना, ये ड्रैगन किंग को ना भाई यहाँ पे लगाने से पहले जो टेरेट मिली है ना वो मुझे लगा दो, ठीक है। पहले तो मैं टेरेट लगा देता हूँ। अपने पेज के ऊपर जो ना कि कुछ भाई क्रीचर जो ना अटैक करने के लिए आते रहते हैं, सो इस टेरेट को टर्न ऑन करता। और बुलेट बुलेट है क्या, बुलेट जीरो भाई, बुलेट के तौर पर ना इसमें मुझे वो येल्लो वाला डालना था। कौन सा वाला डालना था भाई, येल्लो वाला ही डालना है ना भाई। रुक जा, मुझे पता है बुलेट के तौर पे इसमें क्या डालना है भाई, ठीक है मेरे को आइडिया है भाई। रुको ये जो है ना गाइस, यहाँ पे मुझे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको लाइट कर ले, ठीक है। इसको लाइट करने से यहाँ पे बनेगा एक पेस्ट, ठीक है, एक पेस्ट बनेगा ये वाला पेस्ट, मतलब एक ऐश बनेगी। देखो ये ऐश बनी है, ऐसी ऐश बनेगी, ऐसी ऐश बनेगी, बन जा जल्दी भाई, जल्दी बन जाओ। और यही ऐश शायद से मैं बुलेट की तरह यूज़ कर सकता हूँ, शायद से, नो आइडिया बट यस शायद से यूज़ कर सकते हैं भाई। ऐश बन ही नहीं रही है, ऐश बनने में ज़्यादा टाइम लगता है क्या, क्योंकि भाई यहाँ पे फ्यूनशी तो बन रही है बट ऐश नहीं बन रही है। क्रिस्टल कौन कौन से है भाई अपने पास, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल नहीं है ना अपने पास। ये ऐश तो बनी नहीं रही यार यहाँ पे, ये ब्लू वाली ऐश बन रही है, कॉमन वाली बन रही है। ये कॉमन नहीं बंद करना है, ये वाले बंद कर लेने भाई, कॉमन नहीं बंद करना है, ये बंद कर लेना है भाई। कॉमन शेयर से बंद हो रहा होगा इसलिए गाइस यहाँ पे ऐश नहीं बन रही, कॉमन वाली की ऐश बन रही थी, ठीक है। देखता हूँ, चलो ये भाई पर्पल वाली चाहिए, येलो वाली चाहिए, पता नहीं भाई कौन सी वाली ऐश चाहिए। अरे यार ये बन भी नहीं रही यार, जल्दी जल्दी ऐश बन जा भाई मुझे ड्रैगन। हाँ ये वाली लाल वाली ले ले, अब एक येल्लो वाली भी ले ले, अब एक येल्लो वाली, हाँ लाल वाली डाल के देखता हूँ कि ये बुलेट की तरह यूज कर सकता हूँ कि नहीं। अपन डाल इधर बुलेट्स ना, जीरो है भाई। ऑटो रिलोड अपटेंट इन 15 भाई। पिकअप सेट क्रीचर इन लेवल रेंज लो भाई, सेट मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम 20 या 40, 20 भाई, ठीक है। ऑटो रिलोड ना, इसमें तो बुलेट ही नहीं जा रही, क्या डालना है इसमें भाई। ड्रैगन भाई लाड़ में अपने घर पे बैठने के लिए आ रहा भाई, लाड़ में अपने घर पे बैठने के लिए आ रहा। येल्लो वाली ऐशेज शायद से चाहिए थी यार, मुझे लग रहा है ऐसा, येल्लो है ना इनका कलर, अभी येल्लो वाली ऐशेज चाहिए। टर्न अप टर्न ऑन, हाँ दो बुलेट है, येल्लो वाली ऐशेज चाहिए हम लोग को।
तो वहाँ पे बनने दो, ठीक है। ऑल राइट, अपने घर पे ना वाइल्ड क्रीचर कुछ ज़्यादा है ना, अपने पप्पा का घर समझ के बैठने के लिए आ जाते हैं, उन भाई क्रीचर के ना बैंड बजा देने मेरे को, ठीक है। अरे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बनी होगी, इनको टर्न ऑफ कर, इसको टर्न ऑफ कर, इसको टर्न ऑफ कर, इसको टर्न ऑफ कर। इसमें से जो चीज़ें गाइस वो पहले मेरे को ट्रांसफ़र मारने दो, ठीक है, फटाफट से फटफट करके सारी चीज़ें ट्रांसफ़र मार देता हूँ। और बॉस को टेम करने के लिए जाने वाले अपन लोग, टेंशन नहीं लेने का, बॉस को जा रहा हूँ अभी टेम करने के लिए, रुको पहले सारी चीज़ें मुझे क्लियर करने दो भाई, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने दो भाई, ये देखो भर भर के भाई, भर भर के एनर्जी विनर्जी सोर्स मिला है मेरे को। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं गाइस लास्ट वाला जो बॉस है उसको पकड़ने के लिए भाई, ठीक है भाई, मजा आने वाला है। स्टार्टिंग में भाई लास्ट वाले बॉस को पकड़ेंगे भाई, क्या ही मजा आएगा बताओ, क्या ही मजा आएगा भाई, प्लांट बजा डालेंगे। ये क्या फीलिंग्स भाई, इसको भाई फेंक दे यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, ये बंद कर ले पहले, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से जो सारी चीज़ें भाई इनको ऐसे ऐसा ड्रॉप करने दो मुझे भाई, फेंकने दो भाई, ठीक है। ये फालतू में गाइस यहाँ पे जो ना गाइस स्टोरेज ले लेगी, यहाँ पे हम लोग इनकी जगह पे कोई और चीज़ जो ना गाइस वो एक का डबल करने के लिए डाल सकते हैं, इसलिए इस कचरे को यहाँ पे क्लियर करने दो। ये जैसे ही कचरा क्लियर हो जाए, अरे नहीं यार ये मत बोलना बारिश आ गई भाई, ये मत बोलना कि बारिश आ गई भाई, अरे सच में बारिश आ गई यार, बारिश आ गई गाइस यहाँ पे, ठीक है भाई। अभी बारिश आने का इंतजार करना पड़ेगा। चलो गाइस मैं कचरा भी क्लियर कर देता हूँ और तब तक बारिश बैठ जाएगी। सो जैसे बारिश चली जाती है ना वैसे गाइस हम लोग यहाँ पे निकल लेंगे अपने बॉस को टेम करने के लिए, ठीक है। रुको गाइस बारिश को जाने दो, जैसे बारिश जाती है वैसे गाइस हम लोग ना द एंड गेम वाला किंग ड्रैगन टेम करेंगे, मजा आने वाला है गाइस। रुको गाइस रुको, थोड़ा इंतजार कर लो। A few moments later. बारिश भाई गाइस जा चुके हैं यहाँ पे और अभी हम लोग निकलने वाले इस सदी का सबसे ज्यादा खतरनाक और दो एंड गेम वाला बॉस यहाँ पे टेम करने के लिए गाइस, ठीक है। वैसे इस बॉस को मैंने मैंटिकोर से मार के ना थोड़ा अनफेयर भाई यहाँ पे फाइट करी है उसके साथ, इसलिए ना हम लोग वो ड्रैगन बॉस से फाइट वापस से लेंगे, लेकिन इस बार कोई मिथिकल डायनो लेके नहीं जाएंगे हम लोग, कोई अपना ड्रैगन एंटर वाला डायनो लेके जाके उससे फाइट करेंगे ताकि फेयर फाइट हो सके। और मैं थोड़ा सा बेस से दूर आया हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे वो ड्रैगन बॉस को जो ना गाइस करने वाला हूँ स्पॉन, एंड उसको जो ना गाइस टेम करने का काम अभी तुम्हारा भाई करने वाला है। सो आर यू गाइस रेडी? भाई मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी उस ड्रैगन बॉस को इस वाले सीजन में भाई टेम करने वाले हैं, ठीक है। मैं उसको बुला लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। येरा 1 2 3 हेयर वी गो, डाल इसके बिजवाड़े पे 1 2 बेहोश, क्या भाई बेहोश सीधा भाई एक आरो में बेहोश, इतना बड़ा वजनदार ड्रैगन मेरे थोबड़े पे सीधा आके गिर गया और उसके वजन के कारण जो है ना गाइस मैं चपटा होके डायरेक्टली वहां पे मर गया। बताओ भाई लॉजिक, आर्क में कब से लॉजिक काम करने लग गया भाई, ये लॉजिक आर्क में कब से काम करने लग गया भाई, इतना बड़ा सा ड्रैगन मेरे थोबड़े पे गिरा इसलिए गाइस मेरी डायरेक्टली भुर्जी बन गई, देखा आपने गाइस, सही है। चलो नो प्रॉब्लम हो, वापस से निकल लेता हूँ मैं और गाइस जाके जो ना गाइस यहाँ पे उस बेहोश करे हुए ड्रैगन को पटाक से टेम कर लेता हूँ। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई इतने ज़्यादा जल्दी ना उस ड्रैगन बॉस को चलाने के लिए भाई, ठीक है। मेरे को चलाना है भाई उस ड्रैगन बॉस को, मेरे को चलाना है भाई, मेरे को फुल मजे ही मजे करने भाई इस ड्रैगन बॉस के ऊपर। कहाँ पे भाई, ये रहा जरा ड्रैगन बॉस, आई एम कमिंग। वाइटल लिमिट भाई, भाई इसकी 1.9 बिलियन एल दे बाबा, ठीक है। आंडू मांडू नहीं समझा, अरे लेवल बहुत लो आई है यार, 45 लेवल का ऑनिक्स ब्रो, आर यू कॉमेडी मी यार, ठीक है भाई। एबिस डाल दे इसके अंदर, एबिस से टेम होते गाइस सारे के सारे एंड गेम वाले बॉसेस, एबिस डाल के मैं इसके अंदर टेम एलेबल डाल के ना टेम कर लेता हूँ इसको, रुको ची भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर इज द ब्रो, ये ले उठ जा टेम, डन 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 डन। सो गाइज हमारा जो ऑनिक्स यू है ना गाइज वो बॉस यहाँ पे हो चुका है टेम भाई, ठीक है। और हाय हाय गाइज फाइनली गेम के स्टार्टिंग में, एपिसोड बता नहीं कितना नंबर है लेकिन काफ़ी कम दिन हुए हैं और इतने कम दिन में हम लोग ने भाई ये ऑनिक्स बॉस को टेम करा। हाँ लेवल भी भाई 45 मिली है, काफ़ी लो लेवल का हुआ है गाइज, लेकिन लेवल अप शेवल अगर मैक्स कर दूँ सो 100+ लेवल का हो जाएगा गाइज ये बॉस। वे भाई इसको सैडल पहना भाई, ओए होए उड़ रहा है भाई, उड़ रहा है अपना ऑनिक्स बॉस, रुको मैं इसको सैडल पहना देता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइज अपना बॉस, ये देखो गाइज अपना बॉस भाई, इसके अंदर से काली काली डार्क डार्क एनर्जी निकल रही है बाबा
भाई दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है गाइस ये ऑनिक्सु बॉस। भाई इसके पास कौन कौन से अटैक और कौन कौन सी पावर है गाइस वो आपको मैं दिखा दूं गाइस। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके पास कौन कौन सी अटैक और एबिलिटी है। क्या पता गाइस इसको थोड़ा सा अपग्रेड करा होगा गाइस इन लोगों ने अभी। देखते हैं चलो चलो गाइस देखते हैं इस ऑनिक्सु के पास कौन कौन से स्पेशल अटैक है गाइस यहाँ पे। ठीक है आर यू गाइस रेडी? अबे यार ये क्या हो रहा है। हाँ ठीक है चलो आ जाओ भाई जंगल में अटैक किया गया ये। आ जाओ चलो अटैक कौन से राइट अटैक राइट क्लिक पे। अरे बाप रे भाई आसमान से येलो कलर की लाइटनिंग स्ट्राइक कर रहा है राइट क्लिक पे लेफ्ट क्लिक पे लेफ्ट क्लिक पे। ये क्या कर रहा है? ओ भाई भाई जमीन फाड़ दी भाई इसने जमीन फाड़ दी लेफ्ट क्लिक पे। भाई कूल डाउन है इसके हर एक अटैक का। सी पे भी वो सेम ही अटैक है जो कि राइट क्लिक पे था। एक्स पे भाई सामने की तरफ एक जमीन फाड़ने का काम करा इसने और कुछ काम नहीं करा। जेड पे कंट्रोल पे क्यू पे भाई इसका आवाज इतना कम क्यों आ रहा है भाई? ये क्या हो गया भाई आज कुछ खाया नहीं था क्या तूने खाने में? आवाज काफी कम आ रहा है। आर पे पूरी दुनिया हिला देगा भाई। यार इसका अटैक मुझे उतने ओपी नहीं लगे यार अटैक ओपी नहीं लगे। ये क्या कर दिया इसने आर पे? पूरा वेदर चेंज कर दिस क्या? ए भाई तूने पूरा वेदर चेंज कर दिस था क्या? इसने पूरा वेदर चेंज कर दिया था क्या? पता नहीं यार भाई ड्रैगन बॉस ना मुझे पहले भी उतना ज्यादा खास लगा नहीं था एंड गेम वाला और ना ही अभी भाई उतना खास लगा है कुछ भाई। ठीक है अभी भी उतना कुछ खास लगा नहीं है मेरे को भाई। नॉर्मली तो मतलब नॉर्मल अटैक नहीं है अटैक काफी पावरफुल है और इनका डैमेज भी काफी ज्यादा तगड़ा जाएगा मेरे को लग रहा है। मुझे लग रहा है इसका डैमेज ना माइनस में जाने वाला है। ठीक है एक काम कर लेता हूँ इसको मैक्स लेवल अप कर देता हूँ। रुको भाई भाई मेरा जो लाइटनिंग डालने वाला अटैक है ना लेफ्ट क्लिक वाला उससे आप जैसे कि देख ही सकते हो काफी सारे डायनोज की बैंड मैं काफी ज्यादा इजीली गाइस यहाँ पे बचा पा रहा हूँ। ठीक है देखो ये देखो भाई 8-8 मिलियन का डैमेज पड़ रहा है और कितने सारे डायनोज एक ही साथ में गाइस यहाँ पे मारे जा रहे हैं। राइट क्लिक पे भी सेम अटैक था बट वो वर्क नहीं कर रहा। लेफ्ट क्लिक वाला टारगेट लॉक है क्या? नहीं टारगेट लॉक नहीं अपनी मर्जी से कहीं पे भी गिरेगा ये। ठीक है चलो एक काम करो मुझे ये बताओ अगर मैं इसकी लेवल अप करूंगा तो इसका हेल्थ कितना होगा? 100 मिलियन हेल्थ क्या? अरे उड़का है अरे अरे इसको क्या हो गया? इधर आ भाई। अबे किधर भाई? भाई भागे जा रहा है भाई। एक घुंघरू सेट को नहीं निकालने वो ड्रैगन को निकाल ले बाहर भाई। ड्रैगन से भी मजे करने मुझे तो। ये आ गया ड्रैगन ऑनिक्सु। ठीक है ये आ गया अपना ऑनिक्सु। हेल्थ कितनी है इसकी? 11 मिलियन। ठीक है भाई इसकी हेल्थ भी उतनी तगड़ी वाली नहीं है। अब मिली डैमेज में पॉइंट डाल के देखता हूँ। रुको गाइस हाँ मुझे इसकी हेल्थ भी तगड़ी नहीं लगी उतनी। 50 कर देता हूँ। रुको मैं इसकी 50 मिलियन हेल्थ कर देता हूँ उसके बाद इसके मिली डैमेज में दबा के पॉइंट डाल देता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है इसकी ये कुछ खास करने वाला है और इसको इम्प्रिंट भी कर देता हूँ। चलो ये बॉस जो है ना मैं पहले भी टेम कर चुका था बट उस टाइम पर भी ना इतना खतरनाक बॉस नहीं था। ठीक है इम्प्रिंट भी नहीं हो पा रहा ये। ठीक है मुझे अटैक दिखा कितने जा रहे तेरे कितना डैमेज पता नहीं चला कितना गया क्योंकि कोई डायनो आजू बाजू था ही नहीं। रुको यहाँ पे मार दे यहाँ पे मार अपना राइट क्लिक अटैक। कितना? 8 मिलियन। अबे एंड गेम वाला बॉस है भाई तू। ठीक है रुको 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 लिप क्लिक वाला अटैक डाल लिप क्लिक। ये कितना दे रहा है? 28 मिलियन। ठीक है चलो इस अटैक का भाई डैमेज ठीक ठाक ही है। सी वाला अटैक डाल 8 मिलियन सी वाला अटैक भी। रुक क्यू वाला अटैक 57 मिलियन। ठीक है ये थोड़ा सा भाई बेटर लगा मुझे। और आर वाला अटैक जो कि इसका मेन और सबसे पावरफुल अटैक है उसका डैमेज कितना जा रहा है? ऑनिक्सु वो स्किल भाई क्यों? अच्छा अरे भाई इसकी आग भाई ऑनिक्सु की बैड पे जाती मेरी वो क्यों वाले वाइब्रेंट ने आज भाई। रुको कैसे काम कर लेता हूँ। रुको भाई तूने बैट कैसे बजाया उसकी? तूने बैट कैसे बजाया? अभी तुझे मैं अपने भाई कब्जे में ले लूंगा। रुक जा भाई एक्चुअली मैं इसने भाई उसकी बैट नहीं बजाई। मैंने क्या बोला था कि सबको एंशियंट मिथिकल जो डायनोज हुए उन डायनोज के पास एक एबिलिटी है अगर हम लोग उनको डैमेज देते हैं सो रिटर्न में हमको भी डैमेज पड़ता है। सेम सीन मेरे साथ यहाँ पे हुआ। मैंने गाइस उसको गलती से जब मैं गाइस यहाँ पे वो अपना अटैक चेक नहीं कर रहा था तब गलती से शायद से भाई मेरा ऑनिक्सु का अटैक उसको लगा होगा
और अनुक्षी की बैंड बज गई। अनुक्षी के मरने का कुछ खास गम नहीं है भाई, एंड गेम वाला बॉस भाई तू, नाम भाई तू है भाई उसकी जिंदगी पे, एंड गेम वाला बॉस बोले, एंड गेम वाले बॉस के नाम पे धब्बा ही धब्बा भेज कर 50 और 60 मिलियन का डैमेज दे रहा था। बताओ चलो आ जाओ भाई, अभी मैं जा रहा हूँ लास्ट लोकेशन पे और वहाँ पे मैं उस क्योस वाले ड्रैगन को डेम करूंगा भाई। भाई हो गई भाई बात खत्म भाई, चलो आ जाओ वो क्योस वाले ड्रैगन को डेम करने का काम करते हैं। किधर है भाई? ये रहा भाई। भाई तूफान क्यों आ रहा है भाई? यहाँ पे अकाटी भी ये लग रहा है मुझे आजू बाजू कहीं पे, मुझे भाई ड्रैगन टेम करना भाई मेरे को ये विधि। अरे यार लेवल बहुत लो है जी, लेवल बहुत लो जी भाई, लेवल बहुत ही ज़्यादा लो जी। ये पेगासस देख रहे हो भाई, ज़िंदगी में अभी तक तो कोई भी इस पेगासस को टेम नहीं कर पाया भाई, क्योंकि ये टेम ही नहीं होता भाई। डंगोंग बॉल लेके जाओ कुछ भी करो भाई, टेम ही नहीं होता भाई। मैंने काफ़ी बार ट्राई करा है भाई, इसके नज़दीक भी नहीं जाना, इसके नज़दीक से आगे चलता हूँ क्योंकि मुझे उसको डेम करना भाई। ठीक है मुझे इसको डेम करना, इसके ऊपर ग्रैपल मार लगेगा भाई, देखना अबे लगेगा नज़दीक पहुँच लगेगा भाई। मैंटिकोर के ऊपर मारा था मैंने, इसके ऊपर भी लगेगा। ग्रैपल को भी आप ही भाई, वो नज़दीक आ गया तभी ग्रैपल क्लिच हुआ भाई। बताओ कैसे चुमू ग्रैपल होगा भाई, क्या चुमू ग्रैपल है? रैप्टर, एक रैप्टा मारूंगा ना भगवान के पास पहुंच जाओगे रैप्टर के बच्चों। चलो गाइस ग्रैपल लग चुका है, अभी बस उसके नजदीक पहुंच के मेरे को उसको चढ़ा के खिला देना है डगोक बॉल। और ये अरे खिला ले बेटा, और ये अपने काबू में और अपने कब्जे में। गाइस देख रहे हो टिप्स एंड ट्रिक्स भाई, टेक्निक देख रहे हो, हवा में उड़ते हुए डायनो को ऐसे टेम करना है। आपको ग्रैपल मारो उनके पिछवाड़े पे भाई, उसके बाद भाई ग्रैपल करके नजदीक जाओ और इजीली टेम कर लो भाई, टेमिंग फूड खिला के। जैसे कि मैंने इस क्योस वाले वाइब्रेंट को टेम करा है, भले ही गाइस हमारा भाई वो क्या नाम था उसका, ओनिक्सू मारा गया गाइस, लेकिन अपने पास एक क्योस वाला ड्रैगन आ चुका है। चल आ जा भाई, आ जा इससे अभी थोड़ी दबाई मचाते भाई। ठीक है वही चलते वक्त क्या आवाज कर रहा है? ओ ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है ना, सो ये मैकेनिकल टाइप जो चीजें नहीं चलती है तब आवाज करते, वैसे काइंड ऑफ कुछ आवाज कर रहा है ये। अटैक कौन से तेरे पास? बाइट अटैक, उससे भाई फायर छोड़ रहा है ब्लू कलर की। सीपे अपने हाथ से मार रहा है, एक्स पे, कंट्रोल पे, क्यू पे, जेड आर ओ पी ए बी सी डी एफ जी, कोई अटैक नहीं है। ठीक है अभी 20 मिलियन जा रहा है, जितना डैमेज ऑनिक्सू मैक्स लेवल होने के बाद दे रहा था उतना डैमेज जीरो लेवल करने के बाद दे रहा है, समझ रहे हो? अब समझ ही सकते हो कितना पावरफुल है। और इसके एक फटके में क्यों मरा हो भाई ओनिक्सू अपना, ठीक है आप समझ ही गए होंगे। भाई साहब आग भी छोड़ रहा भाई, लेजर छोड़ रहा भाई, 48 मिलियन भाई लिटरली ओनिक्सू जो भाई मैक्स लेवल होने के बाद डैमेज दे रहा था ये जीरो लेवल होने के बाद दे रहा है भाई, मतलब विदाउट लेवल अप दे रहा है बोल सकते हो आप। खतरनाक यार इसके लाइटनिंग भाई बोल्ट का अटैक कितना खतरनाक है। रुको भाई लेवल अप मार इसको, लेवल अप मार। ऑनिक्सू की जितनी सपने में भी हेल्थ नहीं हो सकती थी इसकी उतनी हो गई भाई। अच्छा नहीं 1.6 बिलियन ही हुई है भाई इसकी हेल्थ भाई थोड़ी सी कम लग रही है मेरे को, इसकी हेल्थ थोड़ी सी कम लग रही है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसकी मिली डैमेज में पॉइंट डालता हूँ। मुझे देखना है गाइस कि ये मिथिकल केओस एंशिएंट वाइब्रन कितना ज़्यादा डैमेज आप डील कर पाता है। ठीक है चलो भाई दिखने में ना भाई मैं आपको इसका लुक भी दिखा देता हूँ नीचे उतर के भाई, ठीक है वरना बोलेंगे भाई आपने लुक भी नहीं दिखाया। देखो दिखने में तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई, लुक देखना भाई पूरा का पूरा ना, पूरी बॉडी विंग्स भी इवन इसके मेटल के बने हुए, पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई है, ये विंग्स भी गाइस मेटल के बने हुए हैं, मेटल जो ना गाइस वो फट चुका है यहाँ पे भाई, सड़ चुका है गाइस। देखो पूरी बॉडी मेटल की, सो इसका आर्मर प्रोटेक्शन काफ़ी तगड़ा वाला होगा गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। देखो भाई भाई सारे नाखून भी मेटल गई है, हर एक चीज़ मेटल की है भाई, खतरनाक। अभी अटैक बताओ सर जी इसके 1.4 बिलियन भाई, ये होते भाई एंशिएंट मिथिकल डायनोज। अब मैं टेम करता हूँ तो भाई 50, 10, 20 मिलियन भाई इसका माइनस अटैक जाएगा गाइस, गया माइनस गया भाई, माइनस में डैमेज दे रहा भाई, और प्लस मैंने इसको मैक्स लेवल नहीं करा अभी तक, सो माइनस तो भाई पक्का सूडक्का है भाई इसका, भाई माइनस में डैमेज देगा गाइस, लिख के ले लो। हाँ बस इसकी हेल्थ भाई काफ़ी कम है, ठीक है इसकी हेल्थ जो है ना गाइस काफ़ी कम है भाई। मैं डायनो देख रहा हूँ जिनको मार के ना मैं अपनी मैक्स लेवल कर सकूँ, बट मुझे डायनो ही नहीं मिल रहे यार। हेलो सर, भाई कोई ऐसा है जो मेरे से मरेगा और मेरे मैक्स लेवल करा देगा? ये करा दो यार, मैक्स लेवल करा दो भाई, मैक्स लेवल करा दो। देखो माइनस माइनस में डैमेज दे रहा हूँ यार लिटरली भाई,
माइनस में डैमेज दे रहा हूँ। मैक्स लेवल नहीं यार, मैक्स लेवल ही नहीं हो रहा भाई इसको, भाई बहुत ज्यादा लेवल अप चाहिए लग रहा है। 1.7 बिलियन बाइट अटैक का डैमेज है इसके, ठीक है। फायर अटैक का तो डैमेज मैंने देखा ही नहीं अभी तक। 1.7 मिलियन ही फायर अटैक थी इसका। लाइटनिंग वाला अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल है, लाइटनिंग अटैक इसका काफी पावरफुल है, ठीक है। मैक्स लेवल हो गया। अरे नहीं यार भाई, कब होगा मैक्स लेवल यार? कितने हो टाइम इसको मारना पड़ेगा भाई? मारते रहेंगे भाई, डरे क्या? वाइटली मटेरियल है, ये ले ये ले ये ले, मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ भाई। गाइस गेम का हाउस भी थोड़ा कम कर देता हूँ भाई। अभी देखो कैसी तबाही मचाता हूँ मैं। बस इसको मैक्स लेवल होने दो भाई। मुझे पता है भाई, और काफ़ी सारे डायनोज को मारना पड़ेगा मुझे। मैं किसी बड़े से पावरफुल से डायनो को मारूंगा ना तो मैक्स लेवल जल्दी हो जाएगा मेरा। मुझे कोई बड़ा सा डायनो देखना पड़ेगा, ओरिजिनली ब्रिजिनली या ऐसा कोई डायनो मिला ना सो भाई बहुत ज़्यादा जल्दी लेवल अप हो जाएगा। पानी में तो आज भाई आप पे मछलियाँ भी दिखाई नहीं दे रही, देख रहे हो भाई? पानी में मछलियाँ भी नहीं है, ठीक है भाई ये कर लो पहले। चलो भाई मेघला बिगला डॉन्स को मार के भाई लेवल अप कर देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। मेघला डॉन को मार के लेवल अप कर दी मैंने, ठीक है। मैक्स लेवल नहीं यार भाई, इतना लेवल अप आ रहा है इसको, मैक्स लेवल होने का। हाँ हो गया, फाइनली मैक्स लेवल हो चुका है। अभी आपको दिखाता हूँ इसका डैमेज भाई, ठीक है। अभी मैं आपको इसका बाइट वाला अटैक दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो 1.9 मिलियन ये माइनस में नहीं जा रहा है, ठीक है। 1.9 मिलियन फायर अटैक 1.9 मिलियन अगेन। जितना बाइट अटैक है उतना फायर अटैक है, बट इसका लाइटनिंग अटैक जो है गाइस वो यहाँ पे माइनस में डैमेज दे रहा है। देखो देखना गाइस, देखो माइनस बोल दे ब्रो भाई, माइनस में डैमेज देके किसी को भी मैं इजीली इसके लाइटनिंग अटैक से गाइस यहाँ पे मार सकता हूँ भाई। वाइब्रन का लाइटनिंग अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई, काफ़ी खतरनाक है। दुख तो थोड़ा सा है गाइस कि हमारा ऑनिक्स सुई इसके हाथों मारा गया, बट अच्छी खबर ये है कि ऑनिक्स सुई मरा बट हम लोग को ये माइनस में डैमेज देने वाला और भी खतरनाक सा जो वाइब्रन है ना गाइस वो मिल चुका है, जिसकी पूरी बॉडी मेटल से बनी हुई है और दिखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा है यार, है गाइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है। चलो गाइस इसको अभी बेस पे लेके जाते हैं, और बेस पे लेके जाके ना अभी यहाँ पे, वैसे इससे मैं किसी बॉस को नहीं मार सकता, रीज़न क्या है ना, बेस पे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं किसी बॉस को मारने जाऊँगा ना, बॉस ने अगर गलती से भी एक अटैक करा तो जो हालत हमारे कछुए की नहीं हुई थी, कछुए बॉस को गाइस मैं गया था भाई चोड़ में लेके कि भाई अपना कछुआ बॉस है भाई पेल दूंगा सबको, तो जो कछुए की हालत हुई थी ना सेम हालत गाइस इसकी भी होगी, ठीक है। क्यों होगी बताता हूँ, रुको इसको बेस पे लेके जाओ पहले, पहले मेरे को इसको बेस पे लेके जाने दो। ये पहुंच गए गाइस अपने बेस पे, इसको मैं यहाँ पे साइड में भाई लैंड करा देता हूँ, ठीक है। एंड ये देखो 2.9 बिलियन हेल्थ हमारा टर्टल जो है उसकी भाई 4 बिलियन हेल्थ है विदाउट लेवल अप। लेवल अप मार के मैं उसको बॉस के अगेंस्ट लेके गया था और बॉस ने उसको एक फटके में उड़ाया था। सो गाइस ये जो है ना गाइस ड्रैगन, अगर ये ड्रैगन ने अटैक पहले नहीं करा और वो बॉस ने अटैक करा ना तो इस ड्रैगन नहीं ये वाइब्रेंट की बैंड इजीली बजा देगा गाइस वो बॉस, क्योंकि इसकी हेल्थ काफ़ी कम है और 2 बिलियन का डैमेज इजीली कोई भी यहाँ पे दे पाता है भाई, ठीक है। इसलिए गाइस भाई हेलो कार बुड़बाक रुको गाइस पक्सर कान आती, अरे निकल पे इसके आप लाड़ में मारने के लिए आया था भाई चिपकली मानव बैंड बजा दी चिपकली मानव की एकदम मस्त बेकी। लेट्स गो बॉयज। सो बताना गाइस हमारा जो मरा हुआ ऑनिक्स है और हमारा जो एक केओस मिथिकल एंशिएंट वाइब्रन है ये वाइब्रन आप लोग को कैसे लगा, और आने वाले एपिसोड में अभी देखो आज तो हम लोग खास कुछ कर नहीं पाए लेकिन आने वाले 2 एपिसोड जो होंगे उसमें हम लोग ये टोटल 6, 12, 18 बॉसेस को डेम करेंगे। 2 एपिसोड में 18 बॉसेस को टेम करने वाले। सो आने वाले जो अगले 2 एपिसोड होंगे मिस बिल्कुल नहीं करना। बाकी आज का ये वाला एपिसोड ये भी खत्म होता है आर्क सर्वाइवल वॉल का, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 2 का। मिलते हैं सीधा ड्रैगन हंटर सीजन 2 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सी यू लेटर, बाय बाय गाइस।